में और हमारे जो बड़े समाज सेवी के रूप में ऊपर के 465 को विकास की नई दिशा दे रहे हैं बिच्छू राम जी, इन्होंने जो ये भेंट किया, मैं इस संपूर्ण परिवार का दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और मैं यही कहूंगा कि कुछ ही क्षणों में हमारे बीच में कैबिनेट मंत्री राजस्थान सरकार गोविंदराव जी मेघवाल साहब पहुंच रहे हैं, उनके स्वागत समारोह में हम सब एक पंक्ति में उनका स्वागत अभिनंदन करेंगे। आप लोग यहाँ पहुंचे, आप सबका दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। We'll be right back.
का विधिवत शुभारंभ। इसके बाद में जो ये बस स्टैंड की भूमि और भवन जो बना करके तैयार करके जो आम जन के लिए समर्पित किया है, श्रीमान गुलाराम जी सिल्लू माधेवाली, श्रीमान सुरजाराम जी नांदीवाल 465 आईडी और श्रीमान डुंगराम श्रीमान रुचिराम जी नांदीवाल, इसका लोकार्पण कैबिनेट मंत्री राजस्थान सरकार श्रीमान कोलराम जी मेहरान, तालियों से जोरदार स्वागत श्रीमान डुंगराम जी कैडर चेयरमैन। एक बार आप जोर से तालियां बजाओ, क्योंकि मैंने पहली मरतबा देखा कि कोई नौजवान नौजवानों को ट्रेनिंग देने का काम कर रहा है। नहीं तो आजकल तो नौजवानों को व्हाट्सएप पे गंदी हरकतें करवा करके गंदे वीडियो डलवाने का भी लोग काम करते हैं। लेकिन मैं इनके लिए इसलिए प्रभावित हूं कि इन्होंने नौजवानों को आर्मी की ट्रेनिंग देने के लिए तैयारी कर रहे हैं, इसलिए दोबारा जोर से ताली बजाओ। एक बार साधु बने, उनका ये सांसारिक जीवन क्या है, उन्होंने रास्ता बताया आज से 5-6 हजार वर्ष पहले और कहा धर्म वो अच्छा है जिसमें समानता हो, जिसमें स्वतंत्रता हो, जिसमें बंधुत्व हो, जिसमें सत्य हो, जिसमें अहिंसा हो। अहिंसा का मतलब है मार काट नहीं होनी चाहिए, आदमी को सत्य का पालन करना चाहिए, आदमी को सबको समानता से देखना चाहिए, हर आदमी को बोलने की आजादी होनी चाहिए, आपस में भाईचारा होना चाहिए। इसलिए मैं बुद्ध को मानता हूं और मैं धन्यवाद देता हूं ये मूर्ति इनको भेंट करने वालों को और ये जो आर्मी के जिनको दी गई। मैं चाहता हूं कि अगर पूरा देश अगर वो बुद्ध के आदर्श में चलने लग जाए, इस देश को विकास से कोई रोक नहीं सकता। ये मैं आपके सामने दावा कर रहा हूं।